हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज है 15 मई 2023 और आज का जो अपडेट है जो जिला पास का मतलब कि क्लियर है रास्ता और ट्रैफिक को अलाउ कर दिया गया हुआ है और मौसम भी ठीक है, धूप निकली हुई है, किसी तरह की बारिश और बर्फ़ का कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी तो कुदरत है, किस समय क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन आज कारगिल से सोनमार्ग की ओर जो है ट्रैफिक छोड़ा गया है सुबह 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक, क्योंकि उसके बाद कोई भी ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया जाएगा जो जिला क्रॉसिंग के लिए। और कल होगा आपका सोनमार्ग से कारगिल वाला रोड शुरू, तो ऐसे फ़िलहाल अभी तक चलेगा जब तक अच्छी तरह से जो रोड है क्लियर नहीं हो जाता। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत भीड़ हो चुकी है वहाँ पर दोनों तरफ, और इसलिए इतना मतलब खाने पीने का रहने का इतना इशू चल रहा है वहाँ पर। और जितने जो हमारे भाई लोग सब्जियाँ ट्रक है जो लेके गए हैं, सब्जियाँ होगी, फ्रूट्स हो गए, वो ख़राब होने लगे, 4-4, 5-5 दिन से गाड़ियाँ जो फंसी हुई हैं उससे ज़्यादा दिन भी हुए हैं लोगों को, क्योंकि जो 6:30 से 7 बजे के अंदर 1 घंटे में जो ट्रैफिक निकल गया बाकी फंस जाता है। तो ये सिस्टम है, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें सबसे, और जो अभी नहीं घर से निकले हैं तो वो प्लीज़ प्लान मत करें अभी तक, क्योंकि रहना खाना पीना सब आपका जो है डिस्टर्ब रहेगा और बजट तो पूछो मत कहाँ जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वीडियो ज़रूर शेयर किए करो इस तरह के, अगर दूसरे वीडियो नहीं शेयर करने कम से कम ये नोटिफिकेशन वाले जो वीडियोस है ये ज़रूर शेयर करने चाहिए कि आपके आसपास आपके दोस्त आपके फैमिली अपने रिश्तेदार कोई भी अगर ये लेह लद्दाख का टूर अभी बना रहा है तो आप उसको बोलिए ठहरी भाई साहब आप ठहरिए अभी जाने का कोई नहीं है। तो जब तक दोनों तरफ से रास्ता खुल नहीं जाएगा तब तक गाड़ियाँ आस पास नहीं जानी शुरू होगी, तब तक आप घर पर बैठे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें। थैंक यू।